वहीं 461 बेहद खतरनाक स्तर के साथ पंजाबी बाग में भी PM2.5 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में 736 बेहद खतरनाक है ये भी आंकड़ा। रोहिणी में एक बार फिर से आपको बता दें 731 बेहद खतरनाक आंकड़ा है ये भी। पंजाबी बाग भी खतरे पर बना हुआ है। वॉक के लिए आते तो हमें ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है, आंखों में वो धुआं लगता है और इस बार कुछ ज्यादा ही है और साथ साथ दिवाली भी आ रही है तो ये ज्यादा ही होने के चांसेस हैं। हाँ, थोड़ा आंख में लगती है, थोड़ा थोड़ा सांस लेने में भी थोड़ा सांस फूलती है। रनिंग कर रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम जैसे पहले दौड़ते थे, इस पॉल्यूशन से पहले दौड़ा करते थे तो एक स्पीड रहती थी, अब स्पीड बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सर, ये महसूस हो रहा है। अभी हम लोग जो बहुत से लोग शुगर पेशेंट्स है उनको तो डेली तो आना ही पड़ेगा, उनको तो सुबह वॉकिंग करते और हम लोग भी ऐसे जिसकी तो तकलीफ तो आंखों में जलन होती है और खांसी जुकाम का ये हो जाती है। साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा की बात करें तो गुरुग्राम देश में सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है। फिलहाल की बात करें तो PM2.5 का स्तर गुरुग्राम में 418 है जबकि गाजियाबाद में PM2.5 का स्तर 443 है, यानी कि गाजियाबाद पहले नंबर पर है तो गुरुग्राम दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन फरीदाबाद और दिल्ली की बात करें तो फरीदाबाद का 403 और दिल्ली का 398 PM2.5 का स्तर है, यानी कि देश में सबसे प्रदूषित अगर कोई शहर है तो वो गुरुग्राम है। और अभी की हालत की बात करें, इस वक्त हम गुरुग्राम के राजीव चौक पर हैं और यहाँ से एक जो तस्वीर देखी जा सकती है कि किस तरह से हवा में एक धुएं की लेयर बनी हुई है। ये वही स्मोग है जो पिछले 2 साल से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है और इसी स्मोग ने इस वक्त मैं देश के सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद में खड़ा हूं। जी हां, गाजियाबाद अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में मैं मौजूद हूं और आपको यहां पर ये पॉल्यूशन का मीटर दिखा देते हैं जो ये साफ तौर पर आपको दिखा देगा कि पॉल्यूशन को मापने वाले जो मीटर हैं PM10 और PM2.5 उसकी मात्रा कितनी ज्यादा है। PM2.5 356 है और PM10 589 है, यानी खतरे से बहुत ज्यादा आगे ये मापक निकल चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। उसके कुछ कारण भी हैं, वो हम आपको बताएं, लेकिन मैं आपको एक बार फिजाओं का नजारा दिखा देता हूं जिसमें आपको एक धुंधलेपन का एहसास होगा और शायद इसीलिए मुझे ये मास्क लगाने की जरूरत महसूस हुई। और तमाम जगहों से हमारे सहयोगियों ने हमें रिपोर्ट भेजी जो हमने आपको दिखाई किस तरह से लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। पुलकित इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, तस्वीरें तो हमने देख ली लेकिन अभी कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाई और बताइए क्या हालात है वहां पर इस वक्त, हवा कितनी जहरीली होती जा रही है। देखिए, मैं इंडिया गेट पर हूं और आप देख सकते हैं, हालांकि क्योंकि अब 4 बज चुके हैं तो काफी स्मोक कम हो गया है, लेकिन जो रिपोर्ट जितनी भी तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 20 सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले शहरों में 14 भारत के हैं और उनमें दिल्ली का पहला नंबर आता है, उसकी वजह भी है। अभी थोड़े दिन पहले EPCA की मीटिंग हुई थी जिसमें 4 राज्य आए थे, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। उसमें तस्वीरें दिखाई गई, गुरेलाल जी ने खुद अपनी तस्वीरें दिखाई जिसमें लोग आज भी कूड़ा जलाने से या फिर प्लास्टिक जलाने से अपने आप को हटा नहीं पा रहे, वहां कूड़ा जलाया जा रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके पास प्लास्टिक के कुछ चीजें थी जिन्हें जलाया जा रहा था और उस पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ने के बावजूद भी लोग आज भी ऐसी NCR इलाका जो है उसका दम घुट रहा है इस वक्त, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है पुलकित, की सांस लेना मुश्किल हो गया है और सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। कमाल की बात है कि लोगों को राहत देना प्रायोरिटी नहीं होती है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि पंजाब हरियाणा सपोर्ट नहीं कर रहा है, 2 साल से यही सब कुछ हो रहा है, सफोकेशन होती है, सबको पता होता है ये स्थिति होने वाली है, इसके लिए पहले से काम क्यों नहीं होता है, बाद में आरोप लगा देते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है।
देखिए ठीक आज से ठीक एक साल पहले चले जाएं, जब भी यही सवाल तमाम दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा हुआ था कि आखिर उन्हें अच्छी सांस कैसे मिलेगी, और उसके बाद में आप ऑड इवन तक चले जाएं तो हर साल यही स्थिति होती है। लेकिन नवंबर आते आते सब इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जैसे सरकार ने तमाम कोशिशें की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें जलाई जा रही थी जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है उन पर कोई रोक रखती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा राजस्थान में पराली आज भी जलाई जा रही है, जो दिल्ली के कंपनी एरिया है वहां पर प्लास्टिक आज भी जलाई जा रही है, दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत